हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा वेदर है और मैं आपको ये एक प्लांटर दिखा रही हूँ जो मैंने अपने DIY से बनाया है। और इसका आप देख रहे हैं, इस प्लांटर के लिए मुझे बहुत सारी तारीफ़ मिल चुकी है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये मैंने एक ऑयल कंटेनर से बनाया और एक यही नहीं, मेरे पास ऐसे और सारे प्लांटर हैं जो मैंने इससे बनाती रहती हूँ। जैसे कि ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये भी मैंने वेस्ट प्लांटर वेस्ट ऑयल कैन से बनाया है। ज़्यादा मैंने इसको डिज़ाइन नहीं दिया है क्योंकि ये प्लांट इतना बड़ा है कि इससे सारा छुप जा रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं, मेरा ये ऑयल प्लांटर है। आप सोच सकते होंगे छोटे से ऑयल प्लांटर में इतना अच्छा प्लांट हो रखा है, तो आप ये मत सोचिए कि प्लास्टिक है प्लांट अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही बेस्ट चल रहा है इसमें। तो ये प्लांटर आप देख रहे हैं, ये भी ऑयल कैन से बना है। ओल्ड सा ऑयल कैन था, ये भी नहीं बहुत सुंदर था, हल्का सा मैंने इसको रीपेंट करा था वाइट कलर से सिंपल। और ये प्लांटर तैयार। और ये बाकी मेरी बालकनी, ये मेरे बुद्धा जी बीच में हैं, प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिले हैं, जेड प्लांट। एक और डब्बे का मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये सिंपल आई थिंक इजी का डब्बा था जो इसमें इजी आता है। तो ये सारे प्लांट्स कैसे छुप गया है, मैंने सिंपल ही ड्राइंग में, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं करी थी, ज़्यादा मैंने इससे कुछ क्रिएटिवनेस नहीं दिखाई थी। ये आप देखिए, ये मैंने एक कपल बनाया है दो डिब्बे का, ये ऑयल कैन का डिब्बा है और ये आई थिंक कुछ हार्पिक वगैरह उसका किसी और का है, क्लीनर का कुछ यूज़ है केमिकल का। और इसका देखिए कितना अच्छा प्लांटर बन गया। अभी मैंने इसमें प्लांट लगाए हैं, छोटे छोटे हो रखे हैं, इसके अंदर भी मैंने दो तीन प्लांट्स लगाए हैं। और जब तक ये प्लांट बड़ा नहीं होता मैंने इसको आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट कर रखा है। ये देखिए, ये मेरा स्विंग, यहाँ मैं आराम से गाना सुनती हूँ प्लांट्स के बीच में बैठ के। पीछे ये देखिए इसका है बॉटल का मैंने प्लांटर बना रखा है। फ्रेंड्स, ये मेरी बालकनी और ये प्यारे प्यारे प्लांट्स, ये मेरा रिसेंटली लाया हुआ प्लांट है, उसको मुझे और दो तीन उसमें ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा एलोवेरा, ऊपर हैंगिंग प्लांटर, प्यारे प्यारे पॉचुलर फ्लावर इसी के डिब्बे में लगा रखा है मैंने। ये भी एक वेस्ट मटेरियल का ही मैंने प्लांटर बना रखा है। ये मेरे सारे प्लांट्स, केली का प्लांट्स, ये मेरे प्यारे से कपल दूल्हा दुल्हन, अभी इसके प्लांट्स छोटे हैं, ये धीरे बड़े हो जाएंगे फिर ब्यूटीफुल सा लुक देंगे। और बुद्धा जी बैठे हुए हैं, ये मेरी प्यारी चिड़िया जो मैं रास्ते में मिल रहा था मैं लेकर आई थी, ये मेरा प्यारा सा पॉचुला, ये मैंने हार्ट शेप बनाया है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, फ्लावरिंग भी आ रही है। ये मेरा वेस्ट मटका था, मैंने इसमें प्लांट लगा लिया है, फ्लावरिंग का वेट है। एक्सोरा रेड कलर का, इसमें बर्ड्स अच्छे से आ रहे हैं। ये मेरा सबसे प्यारा सा कोना है, सबसे पॉजिटिव डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स फ्लावर से तो और ब्यूटीफुल लगता है। सारे मेरे प्लांटर्स घर के ऐसे वेस्ट मटेरियल से हैं जो कि मैं मार्केट से लेने नहीं गई थी। ये बॉटल से प्लांटर बना रखा है, ये ऊपर भी ये देखिए सारा बॉटल है, उस फ्लावरिंग कितनी प्यारी आ रही है, ऊपर से भी बॉटल है। ये कोरियस सबको पसंद आता है, ये
मेरा प्यारा सा केज, मैंने उसको डेकोरेट करके गार्डन में लगाया है। इससे और सारा ब्यूटी बढ़ जाती है गार्डन की। तो कुल मिला के गार्डन आप भी गार्डनिंग करिए। ये देखिए मेरा सेंटर पीस, सबसे ज़्यादा सेंटर पीस तो यही है इसमें मेरा फेवरेट प्लांटर, फ्री का है फेवरेट प्लांटर। थोड़ी सी मेहनत लगती है, कट करके डिज़ाइन बनाना होता है। ये देखिए मैंने एलिफेंट बनाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फुल ऑफ ब्यूटी। ये केली का पेड़, पाम, सारा इसमें इतनी सारी ऑक्सीजन आती है ना, फर्न। ये मैंने वेस्ट बास्केट में भी पोचला लगा दिया है। तो ये देखिए वेस्ट डब्बा था, इसको कलर करके मैंने छोटा सा प्लांट अभी लगाया है, बड़ा मौका दिए धीरे। वही कलरफुल से मतलब रेड कलर से ना और कलरफुल बढ़ जाता है, मतलब कलर्स बढ़ जाते हैं बालकनी में। ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी कि गार्डनिंग आप भी करिए, क्योंकि एक एक पेड़ आप जब जब भी लगाएंगे ना तो वो ऐसा लगेगा घर में एक नया मेंबर आ रहा है हमारे। ये गंधराज था, ये चांदी थी, इसमें देखिए कितने प्यारे से फ्लावर आ रखे हैं। ये पीछे रोज़ में ये देखिए गिलोय के पत्ते, ये हमारा मधुमालती, इनका सारा गमला नीचे दिख ही नहीं रहा आपको गमला, पर प्लांट देखिए कितना ऊपर तक दिख रहा है। ये देखिए फ्लावरिंग फुल है इसमें, पर इससे मैं कैप्चर नहीं हो पा रही क्योंकि ये बाहर से दिखेगी, इसको सनलाइट चाहिए। तो जहाँ जहाँ इसको सनलाइट मिलती है वहाँ वहाँ फ्लावरिंग खूब होती है। इजी टेकिंग केयर है, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कैसे इसका केयर करना है, मैंने टेरेस में लगाया था। तो फ्रेंड्स ये मेरा ऑल ओवर बालकनी गार्डन है, मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, पर हाँ कभी मैंने हफ्ते में वीक में 1 आवर 2 आवर दे देती हूँ और इतने से ही मुझे इतना सारा कुछ मिल जाता है, फुल ऑफ ऑक्सीजन, ब्यूटीफुल कलर्स, फ्लावर्स और ढेर सारी खुशियाँ। ये मेरा वेस्ट है, देखिए मैगी का डब्बा से मैंने फ्लावर लगा रखे, प्लांट्स लगा रखे हैं। नीचे भी ये देखिए इतने सारे प्लांट्स लगे हैं मैगी के डिब्बे में, और कितने अच्छे लग नहीं रहा, प्लांटर बन गया है। वेस्ट डब्बा जो हमारा डस्टबिन में जाता यहाँ पे सोना हो रखा है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Happy gardening, be safe, and smile like this flower. Be happy, and thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.